मध्य प्रदेश में अब कॉलेज के छात्र रामचरितमानस और रामायण को भी पढ़ने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं मोहन यादव, उनके मुताबिक अब छात्रों को धार्मिक चीज़ें भी जानना बेहद ज़रूरी है। जो शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें क्यों ये फैसला लेना पड़ा है सरकार को, हम बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री के साथ। क्या लगता है आपको कि पढ़ाई के बीच एकेडमिक्स में रामचरितमानस और रामायण इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, नई शिक्षा नीति लागू हुई है और नई शिक्षा नीति परिप्रेक्ष्य में लगभग 131 प्रकार के कोर्स हम लाए और इन कोर्स में जो हमारा अध्ययन मंडल है राज्य शासन का और उसमें विद्वानों ने जो जो विषयों को रिकमेंड किया है उनको सबको लागू करने का काम उच्च शिक्षा विभाग का। इसमें रामचरितमानस अर्थात रामायण के अच्छे पक्ष को भी लेकर के आए और ऐच्छिक सब्जेक्ट के रूप में हमने उसकी गुंजाइश दी है। विद्यार्थी बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी पढ़ने जा रहा है और ऐच्छिक सब्जेक्ट को अगर रामायण का पढ़ना चाहता है तो विभाग उसको मान्यता देता है। सदर को इसकी मार्किंग भी होगी और उसकी डिग्री भी दी जाएगी। लेकिन मैं इतना ही बात पूछना चाहता बताना चाहूँगा कि रामायण के अंदर कई सारे विषय ऐसे हैं जिनको जानना जरूरी है। पूरा देश आधुनिक आस्था रखती रामायण में, लेकिन अगर हम विभाग से उसमें आगे बढ़ते तो गलत क्या है? सर, भाजपा जो है वो राम मंदिर से जो शुरू हुआ था आंदोलन, अब उसे अलग अलग राज्यों में भी ले जाएगी, हर जगह राम के नाम को लाएगी, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में राम का नाम। अरे, भारत में अगर भगवान राम का नाम नहीं आएगा तो किसी और देश में आएगा, पाकिस्तान में आएगा क्या? भगवान राम के लिए तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में राम राज्य आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उनके जीवन की अच्छाइयाँ हैं, न केवल भगवान राम की बल्कि हमने सम्राट विक्रमादित्य के, राजा भोज के, रानी अवंतीबाई के, दुर्गावती के, अहिल्या देवी के, राजा भोज के, ऐसे सब तमाम महापुरुषों को पाठ्यक्रम से जोड़ने का निर्णय किया है जिनसे जीवन में प्रेरणा मिलती है, जिनका कोई अपना इतिहास में अलग अलग प्रकार का योगदान रहा। तो ऐसे विषयों को लेकर उच्च शिक्षा विभाग अगर आगे बढ़ता है तो वो अपनी उस मूल भावना की तरफ जाएगा ना जो संविधान में निर्णय। तो सिर्फ रामचरितमानस रामायण की, कांग्रेस का कहना है कि कुरान भी लेनी चाहिए, बाइबल को भी जोड़ना चाहिए, अच्छी विषय में सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े ही ग्रंथों को शामिल क्यों किया जा रहा है? अरे भाई, उर्दू जुड़ी है, उर्दू भाषा जुड़ी है, उर्दू गज़लों को हम जोड़ रहे हैं, तो जिसको उर्दू पढ़ना वो उर्दू पढ़े, कुरान नहीं। ये कोई बात नहीं हुई ना कि कल से आपको इधर की और किताब बताओगे, ये इस टाइम इस ढंग की तो निर्णय ये सारा निर्णय करने का अधिकार हमारे जो प्राध्यापकगण हैं जो सिलेबस बनाते हैं उनके हाथ में, वो जिन दिन को रिकमेंड करेंगे हम सबको लागू करते हैं। राम सेतु जो है उसके बारे में भी जो बीई है उसमें ये जोड़ा जाएगा राम सेतु की चीज़ें? हाँ, विषय ऐसे सैद्धांतिक रूप से तो ये बात सहमत है ना कि भी राम सेतु भगवान राम के द्वारा निर्मित है, जिसको नासा ने भी कहा कि हाँ ये आदम निर्मित है, व्यक्ति निर्मित है, इसलिए उसके ऐसे कई प्रमाण हैं जिनके आधार पर उस रचना को सीखने की ज़रूरत है। जो उस समय का कितना उन्नत साइंस था, आज से 200 साल पहले अगर अपन देखें तो जो विज्ञान ने उन्नति की है, तो भारत तो हज़ारों साल पुराना है, तो ये जो ज्ञान विज्ञान की गंगा बहती रहती है, ऐसे में अगर हम प्राचीन ज्ञान से कुछ अर्जित करके आगे बढ़ते हैं तो गलत कुछ नहीं होना चाहिए। इसी सत्र से शुरू हो जाएगा शिक्षा का? निश्चित रूप से इस सत्र से चालू होगा और इस सत्र में एडमिशन भी देगा। बहुत उत्पादन लगे थे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने रामचरितमानस और रामायण के बारे में जो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाएगा उस पर आज तक से खास बातचीत की है और कांग्रेस पर भी हमला बोला है जो इस पर सियासत कर रही है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।